तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीवो के डिवाइसेस में आप कलर ओएस 7 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, आज की इस वीडियो में आपको यही मैं बताने वाला हूँ। गाइज यार, काफ़ी सारी कमेंट्स मेरे पास इसी टॉपिक को लेकर आ रही थी, तो फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो के किसी भी डिवाइस में जो है कलर ओएस 7 को इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे अपने पूरे फ़ोन को कलर ओएस 7 का लुक दे सकते हो सारा कुछ। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या आपको करना होगा, बस कुछ सेटअप आपको करने हैं जिसके बाद आपका जिस फ़ोन है कलर ओएस 7 के जैसा हो जाएगा और आपके फ़ोन में कलर ओएस 7 इंस्टॉल हो जाएगा। तो कैसे आप ये करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो चलेगा, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी इस वीडियो को बनाने में, और ये सब करने में तो बहुत सारी मेहनत लगती है। तो यार अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज वीडियो काफ़ी जो है, मतलब वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि सारा कुछ मैं आपको सेटअप बाय सेटअप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई जी। कि सबसे पहले इसमें बता दूँ कि इसमें आपको चार्जिंग एनिमेशन जो है वो काफ़ी कमाल के देखने को मिल जाएंगे, सारी चीज़ें वो आप वीडियो में आके देख लेना। चलिए शुरू करें। तो भाई देखिए, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे दो, ठीक है। एक फ़ाइल मैनेजर का लिंक मिलेगा, ठीक है, और एक फ़ाइल का, ठीक है। एक तो फ़ाइल मैनेजर का APK फाइल लिंक मिलेगा, उसे आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, और एक मिलेगा, ठीक है, फाइल का। अब उसे डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि डाउनलोड करने में भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। लिंक आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। ये जैसे लिंक मिलेगा, अब ये फाइल का लिंक है मेरी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे गाइस, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये लिंक आपको। तो कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस आपको आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, देखिए यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं कहते हैं कि भाई हमसे अप्लाई नहीं हुआ या फिर डाउनलोड नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं सारा कुछ यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देखिए यार वीडियो को स्किप मत करना। तो उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पे नीचे वेरीफाई लिखा हुआ आ जाएगा, ये बड़ा वाला नहीं, ये वाला छोटा वाला जो वेरीफाई, इस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे गाइज, तो कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है आएगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कंटिन्यू, ये वाला कंटिन्यू नहीं, छोटे टाइप में कंटिन्यू लिखा हुआ मिलेगा गाइज, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यू से ऊपर आपको जो है एक ये ऑप्शंस मिल जाएगा, आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पिक्चर भी मांग सकता है, या फिर एक बार में क्लिक क्लिक करोगे राइट भी हो सकता है। तो पिक्चर अगर मांगता है तो आपको यहाँ पे क्रॉस वेल, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा नाम कि क्या चीज़ आपको सिलेक्ट करनी। जैसे यहाँ पे मेरे पास आया क्रॉस वेल का वेल का, तो यहाँ पे मुझे क्रॉस वेल वाली जितनी भी फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट करनी है, जैसे कि ये है क्रॉस वेल, और यहाँ पे इन तीनों फ़ोटो में है, और मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, एक यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से वेरीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो वेरीफाई हो जाएगा, तीन फ़ोटो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा चार फ़ोटो सिलेक्ट करनी रहती हैं। उसके बाद यहाँ से आपको जाना है नीचे, और छोटा वाला जो कंटिन्यू का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है, इसी पर याद रखें कि इसी पर क्लिक करना है और बड़े वालों पर नहीं करना। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे गाइज, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको जाना है यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे गेट लिंक मिल जाएगा लिखा हुआ, गेट लिंक, ठीक है। अब आपको नीचे जाना है, और नीचे जब जाओगे तो यहाँ पे आपको जो ना टाइम चलता हुआ नज़र आ जाएगा, जो कि ये देख सकें, ये वाला टाइम आपको चलता हुआ नज़र आएगा, ये जो कम हो रहा है, और यहाँ नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा प्लीज़ वेट। तो ये जैसे टाइम ख़त्म होगा, योर लिंक इज ऑलमोस्ट रेडी, और यहाँ पे जो है हमारा गेट लिंक लिख के आ जाएगा, ठीक है, वेट के लिए बोला था। जैसे टाइम कंप्लीट हुआ, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, और उसके बाद आपको जो है यहाँ से आपको फाइल को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड करने के ऑप्शन आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो विंडो, यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। देखिए मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी डाउनलोड का ऑप्शन निकल के आ जाएगा, यहाँ पर भी आ गया है, तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अभी डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मेरा शायद थोड़ा सा नेट स्लो है, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शंस निकल के आएगा। तो यार मैं वीडियो को स्किप नहीं करूँगा, सारा कुछ आपको लाइव दिखाऊँगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना
एक मिनट में, एक दो मिनट में यहाँ पे अगर आपका नेट फास्ट होगा तो तुरंत ही लिख के आ जाएगा कि डाउनलोड करें, या फिर यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि सारा कुछ आ ही रहा है। ठीक है, सीधे इसलिए आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि यार मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है, इसलिए हो सकता है कि प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ से। ठीक है, चलिए जैसे ये फाइल आपको डाउनलोड हो जाए, आपको ये फाइल मैनेजर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, उसे ओपन करेंगे। जैसे आप इसे ओपन करोगे गाइज, तो ओपन करने के बाद में यहाँ पे ये देखिए डाउनलोड होने लगा, क्योंकि हो जाएगा गाइज। ठीक है, आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो है नेट आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, नेट मेरा ख़त्म हो चुका है इसलिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये जो फाइल है, आपकी फाइल मैनेजर जैसे डाउनलोड करोगे इसे इंस्टॉल करके यहाँ पे जाना है, और उसके बाद में शो हिडन फाइल का ऑप्शन मिलेगा, सबसे लास्ट में जाएंगे शो हिडन फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर लेना, याद है इसको ऑन जरूर करना। उसके बाद डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे, डाउनलोड फोल्डर में आपकी जो फाइल थी जो डाउनलोड की थी वो फाइल आपको यहाँ मिल जाएगी, इसको क्लिक करके रीनेम करना है, रीनेम सॉरी रीनेम नहीं करना है, इसको क्लिक करके रखना है और यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देना। ये एक्सट्रैक्ट जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा। चलिए मैं यहाँ पे इसको, ये मेरे पास ये फाइल है, मैं इसको मूव करके दूसरे फोल्डर में रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है, ये देखिए यहाँ पे। अब इसको आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, इस फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पे डालना है मेरे चैनल का नाम, याद रहे TACHNICAL, बिना स्पेस के एस के लगा देना है, टेक्निकल एस के, बिना स्पेस के गाइस, स्पेस नहीं देना। उसके बाद ये जो फाइल है एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, और इसको आप, अब क्या करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक ऐसा फोल्डर आएगा, इस फोल्डर में जाना, इस फाइल को आपको कॉपी करना है, जो इस फोल्डर के अंदर मिले कॉपी करेंगे, बैक जाएंगे, बैक जाएंगे और यहाँ पे DWD का फोल्डर मिलेगा, उसमें जाकर इस फाइल को आपको पेस्ट करना है। जब जितने फोल्डर आपको खाली सिंगल मिलते हैं सारे खोलते चले जाना है, जब पांच फोल्डर एक साथ आए रुक के, और यहाँ पे इस फाइल को पेस्ट करना है, याद है कि यहाँ पे आपको कोई और फोल्डर ना मिले, आपको टी फोल्डर में पेस्ट करना है। ठीक है, टी वाले में, याद है यहाँ पे काफ़ी फोल्डर है लेकिन टी वाले में पेस्ट करना है, इसमें कोई और फोल्डर हो तो प्लीज़ यार उसको हटा दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कलर ओएस 7, अब इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको अपना वीवो का जो आई थिंक रहता है उसको ओपन करेंगे, अगर ओपन है तो उसको क्लोज करके फिर से ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद में गाइज आपको यहाँ जाना है, यहाँ जैसे आप जाओगे कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये फाइल आपको मिल जाएगी, इसको इजीली आपको इसको अप्लाई कर लेना है। बस जैसे ही आप इस फाइल को अप्लाई करोगे कुछ इस तरीके का लुक जो है आपके फ़ोन को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका फ़ोन हो जाता है कलोरिया 7 में। ठीक है, और आपको सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी थोड़ी सी ब्राइटनेस जो है बढ़ा देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छे से नज़र आने वाली हैं, जो फाइल हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, आइकन से लेके सारी चीज़ें आपकी बदल जाएंगी, आइकन आपको यहाँ पे कलर OS 7 के देखने को मिल ही रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ठीक है गाइज, यहाँ पे आइकन में किसी भी कोई भी एक ऐसा भी बक्स नहीं है, आइकन आपके टोटली जो है कलर OS 7 के जैसे मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, और यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी वॉलपेपर से लेकर हर चीज़ आपकी बदल जाएगी, प्लस यहाँ पे डायलर की बात करें तो यहाँ पे यार डायलर आपका जो है कलर OS 7 के जैसा हो जाएगा, डायलर में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायलर भी आपका जो कलर OS 7 के जैसा बदल जाएगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा देखने को। ठीक है गाइज, और नोटिफिकेशन पैनल में और सेटिंग्स आपकी कुछ इस तरीके की हो जाएगी। इसके साथ गाइज आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मैं दिखा देता हूँ, और यहाँ पे जो ऑप्शन है ये देखिए गाइज, जो अगर आप अबाउट सेक्शन में जाके अगर चेक करोगे सिस्टम में, ठीक है सिस्टम में अगर आप चेक करते हो सिस्टम अपडेट में, तो यहाँ पे आपको जो फ्रंटेज चॉइस लिखा हुआ नज़र आता था वहाँ पे भी आपको कलर OS 7 नज़र आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चेकिंग अपडेट और लेटेस्ट वर्जन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको कलर OS 7 देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं आपका फ़ोन जो है टोटली कलर OS 7 के जैसा हो गया है। ठीक है, तो कलर OS 7 के जैसे यहाँ पे आपका जो पूरा फ़ोन है कम्प्लीटली हो गया है, और यहाँ पे जो बैटरी है गाइज वो बैटरी भी आपकी जो है कलर OS 7 के जैसी हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल मैंने आपको दिखा दिया गाइज। इसमें एक चीज़ और आपको और ही काफ़ी ज़्यादा कमाल की मिलती है, इसमें आपको लॉक स्क्रीन के साथ जो है ना चार्जिंग एनिमेशन जो मिलता है वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चार्जिंग एनिमेशन जो है वो यार बहुत ही कमाल का है, तो चलिए उसके लिए जो है मैं अपना फ़ोन का लॉक स्क्रीन को लॉक कर देता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को।
इसमें काफ़ी सारे फीचर्स चेंज हैं। अगर मैं सारे दिखाने लगा तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाए, लेकिन मैं चार्जिंग एनिमेशन सबको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप से चार्जर को कनेक्ट करता हूँ पहले। तो चलिए मैं यहाँ पे चार्जर को कर लेता हूँ मैं। तो देखिए गाइस, मैंने चार्जर को भी अपने कनेक्ट कर लिया है, और मैं पहले आपको लॉक स्क्रीन दिखा दूँ। लॉक स्क्रीन से मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का लुक मिल जाएगा, जो कि कलर ओएस 7 का ही है, ठीक है। और गाइज यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको जो टाइम वगैरह कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ मिल जाएगा, ये देख सकते हैं, क्रिएटेड बाय टेक्निकल एस्किज। जी हाँ, मेरे चैनल का आपको नाम मिल जाएगा देखने को। ये गाइज मैंने खुद जानबूझ के लिखा है यार, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ना, मेरी जो मैं जितनी भी फाइलें बनाता हूँ उनको कॉपी कर लेते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं। तो मैं आप लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए मैंने ये नाम डाला है, जिससे कि जो मेरी फाइल को यूज़ करते हैं अपनी वीडियो में, उन लोगों के लिए डाला है, ताकि वो इस फाइल को अपनी वीडियो में अपलोड करें तो मेरे चैनल का नाम हो, और आप उन लोगों को कमेंट करें कि भाई ये तेरी फाइल नहीं है, टेक्निकल एस के की है। तो आप जितना हो सके उनकी, अगर वो मेरी कोई भी मेरी फाइल अगर यूज़ करता है, तो यार प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उन लोगों के वीडियो पर जो है कॉपीराइट भेज सकते हो। आप मुझे प्लीज़ मेरे चैनल मुझे स्क्रीनशॉट ला के सेंड कर सकते हो, या फिर मेरे चैनल पे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, उस वीडियो का लिंक दे सकते हो जो भी मेरी वीडियो को यूज़ करे। उससे क्या होगा कि मैं उनकी वीडियोज़ पर कॉपीराइट लगा दूँ, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता कोई मेहनत करता और किसी और की मेहनत को कोई और यूज़ करे, तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। चलिए ये तो बात अलग है, अब मैं आपको चार्जिंग एनिमेशन दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैं जैसे ही अब चार्जर कनेक्ट करता हूँ यार, तो कुछ इस तरीके का जो लुक है आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा कमाल का। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना बेहतरीन सर लुक आपको चार्जिंग एनिमेशन से यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कलर ओएस 7 का, जो कि बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है और काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो गाइज ऐसे ही आप अपने वीवो के किसी भी डिवाइस में कलर ओएस 7 को इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। भाई ये बेशक मैंने थीम्स के द्वारा कंप्लीट किया है इस कलर ओएस 7 को, बट इससे जो है जितना हो सकता है मैंने काफ़ी ज़्यादा हद तक आपके वीवो फ़ोन को कलर ओएस 7 बनाने की पूरी पूरी कोशिश की है। भाई अगर आपको इस थीम्स में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आई है तो यार प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट कर देना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।